पार्ट वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4. भाग एक, इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज. ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. ठीक, भारत इंडिया जो है, अब इंडिया के दो नाम थे, पहले हम इंडिया को भारत के नाम से जानते थे, कहा इंग्लिश वर्जन भी चाहिए तो इंडिया नाम रख दिया गया. बाकी इसके अलावा हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, कुछ भी कहो, कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं है. इंडिया के दो ही ऑफिशियल नेम है, एक भारत, दूसरा इंडिया. ठीक है, अब देखो जो स्टेट्स होते हैं या कंट्रीज कह लो, दो टाइप के होते हैं. कैसे हो सकते हैं? या तो यूनिटरी हो यानी एकात्मक, या तो फेडरेशन हो. यूनिटरी का मतलब क्या है? जहां पे सारी शक्तियां, दैट इज लाइक दाल मखनी, सब कुछ एक एक इकट्ठे लपेट के डाल दिया गया, सब कुछ एक साथ होगा. और अगर फेडरल की बात करें तो फेडरल में क्या होगा? सलाद है, गाजर का अलग है, प्याज का अलग है, टमाटर का अलग है, मूली अलग है, इस तरीके से क्या अलग अलग सलाद रखे हुए हैं. ठीक है, रहे एक ही प्लेट में. लेकिन फेडरल में क्या है, ये स्टेट खुद को अलग कर सकते हैं, और यूनिटरी में कोई कुछ भी नहीं अलग कर सकता है. और इंडिया की हालत कैसी है? और इंडिया क्या था? इंडिया थोड़ा ग्रीडी है. इंडिया ने कहा ना तो हम यूनिटरी रहेंगे ना तो फेडरल रहेंगे, हम दोनों ही रहेंगे. इंडिया इज फेडरल, क्वासी फेडरल एंड बायस टुवर्ड यूनिटरिज्म. ठीक है, कोई दिक्कत? अब इंडिया का फोकस क्या है? स्टेट्स की तरफ तो है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स की तरफ उसने फोकस किया, बट उसका ज्यादा ध्यान कहां है? यूनियन पे. ठीक, कोई दिक्कत? बना लो. भाई इंडिया का भी तो ज्यादा फोकस कहां है? कंट्री पे है. अगर कंट्री ही ना रहे तो स्टेट्स का क्या इंपॉर्टेंट है? कोई इंपॉर्टेंस रहेगा? नहीं रहेगा. ठीक है, अब इंडिया का स्टेटमेंट क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. तो आर्टिकल मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स मींस, मतलब ऑल द स्टेट्स. इसमें आप कोई भी यूटी नहीं मिलाओगे, यूटी इसमें नहीं आता है. इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट दैट इट ओनली काउंट्स इन टोटल स्टेट्स ऑफ इंडिया
whether they are 28 or 29, आज की डेट में 28 हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, यूटीज नहीं आते हैं। एंड फर्दर अगर आप कोई इसमें यूटी, भाई इंडिया की कोई और टेरिटरी है, यूटी है, या कल को इंडिया क्या करे, चाइना जीत ले, चाइना का कोई हिस्सा जीत के बीजिंग जीत लिया उसने, बीजिंग जीतने के बाद उसने इंडिया में ऐड कर दिया एनी टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय इंडिया, वो भी उसमें ऐड कर दिया गया, एनी टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय इंडिया इज कम्स अंडर द इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ये क्या है, ये दोनों क्या है, इट्स टेरिटरी, ये टेरिटरी में आते हैं। तो पूरा का पूरा फ्रेज होता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, दैट मींस ऑल द स्टेट्स, आर्टिकल वन, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, अगर इतना लिख के आएगा दैट मींस ऑल द स्टेट्स, जितने स्टेट्स की बात कर रहा है, और फिर यूटीज, यूटीज और एनी टेरी ऑक्यूपाइड बाई इंडिया, अगर कोई बाहर की टेरिटरी इंडिया मिला दी गई है तो उसको भी तो इंडिया के अंदर काउंट करेंगे, कैसे करेंगे, वो उसकी टेरिटरी में आ जाता है। अगर पूरा पूरा लिख के आ जाए इंडिया एंड इट्स टेरिटरी तो वह पूरा ले लेंगे, अगर ये लिख के आता है इंडिया इज ए भारत दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट दैट मीन्स ओनली स्टेट्स, ठीक ठीक है। अब अपने यहां से क्या कोई स्टेट बाहर जा सकता है, इंडिया में कोई भी स्टेट खुद से बाहर नहीं हो सकता है, ठीक। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ, इंडिया इज यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, स्टेट्स को आप इस बाउंड्री के अंदर तो डिस्ट्रक्ट कर सकते हो, बकर बाहर किसी को दैस नहीं दे सकते हो, ठीक है। लिखो यूनियन ऑफ स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स दैट यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स दैट स्टेट डज नॉट एंजॉय, स्टेट डज नॉट एंजॉय राइट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन, राइट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन। तो कोई भी अगर स्टेट है इंडिया की, वो अपनी मर्जी से इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है, एक बार अंदर आ गया सो आ गया, लेकिन अगर इंडिया सिर्फ फेडरल होता तो क्या हो सकता था, तो जा सकता था, बट यहां पे ये नहीं होता है। द स्टेट डज नॉट एंजॉय द राइट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन, दैट इज यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल, द कंट्री इज डिवाइडेड इन टू स्टेट्स द कंट्री इज डिवाइडेड इन टू स्टेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बताया था आप लोगों को क्या, कि भैया उत्तराखंड वाले का कानून राजस्थान वाला नहीं बनाएगा, या कोई ट्राइब है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का, नॉर्थ उत्तर वाले उत्तर प्रदेश में रहने वाला नॉर्थ ईस्टर्न के रिचुअल्स जानता नहीं है, उनका ट्रेडिशंस पता नहीं, तो हम उनके कानून उनके हिसाब से नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या किया, हमने स्टेट्स बना दिए और वहां पे उनको अपने गवर्नमेंट बना दी, कि भैया आप अपने लोगों के हिसाब से कानून बनाएंगे जिससे क्या हो, लोग इजिली अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके, ऐसा कोई कानून ना बन जाए जिससे हम उनको हार्म कर दें, ठीक है। The country is divided into states just for administrative convenience. Otherwise, India is single unified country. Otherwise, India is single unified country. पैराग्राफ चेंज करके लिखना,
यूनियन ऑफ स्टेट मींस यूनियन ऑफ स्टेट मींस दैट ओनली स्टेट्स that only state takes part in distribution of powers. Union territories are not included in the expression union of state They came under the expression territory of India. States किस में आएंगे? सिर्फ यूनियन और स्टेट्स में. अगर आपने कोई टेरिटरी जोड़ दी या यूटीज ले लिए तो इंडिया किस में आते हैं? द टेरिटरी ऑफ इंडिया में. विच इंक्लूड्स, अगर आप सीधे सीधे कहें तो टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट मींस ऑल द स्टेट्स यूटीज एंड एनी अदर एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिया. ठीक. विच इंक्लूड्स ऑल द स्टेट्स कॉमा ऑल द यूटीज एंड एनी अदर एरिया acquired by government of India. यह भैया हो गया आर्टिकल वन. ठीक है. Now, Article 2. Parliament bylaw may admit into the union or a new state or UT on such condition as its fit. ठीक है. ये भैया कुछ हमारा ऐसा इंडिया है. जा भाई. ठीक है. कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देता है, बाकी ऊपर का हिस्सा नहीं बना है. तो इंडिया में सपोज दैट कोई भी टेरिटरी है, चंद्रनगर था, चंद्रनगर किसकी कॉलोनी थी? फ्रेंच कॉलोनी थी. इसको क्या करना था? हमें इंडिया का पार्ट बनाना था. तो हमने क्या किया? सिंपली बाई यूजिंग आर्टिकल टू का यूज किया हमने. सिंपल मेजोरिटी, ऑर्डिनरी बिल है, सिंपल मेजोरिटी से पास किया और इसको क्या बना दिया? इंडिया का
पार्ट बना लिया, रेदर वी हैव डिक्लेयर्ड इट स्टेट और या यूटी, कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ इंडिया में चंद्रनगर के केस में ही सिर्फ ऐसा हुआ है कि जिसमें आर्टिकल 2 का यूज हुआ है, वरना अगर हमने और कोई टेरिटरी मिलाई है, सिक्किम मिलाया था 35th अमेंडमेंट से हमने सिक्किम को अपने आप मिलाया, बट इसको कैसे मिलाया है, बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। अगर कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके डाल दी जाएगी तो उसको रिमूव करना बहुत टफ हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कोई इजी प्रोसेस है? नहीं है, उसको मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए जब भी कोई टेरिटरी जोड़ी गई तो कैसे जोड़ी गई है, नहीं 368 आर्टिकल 368 द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमने सिक्किम को अपने यहां जोड़ा। सिर्फ चंद्रनगर एक ऐसी टेरिटरी थी जिसको हमने कैसे ऐड किया है, बाई आर्टिकल 2, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर अगर कोई स्टेट है, इंडिया है, इंडिया में भैया जम्मू है, कश्मीर है, इधर लद्दाख है, हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसको क्या डिक्लेयर किया, यूटी, इसको यूटी, ठीक। आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में क्या किया, डिवीजन किया, तेलंगाना बनाया, इसको स्टेट बना दिया। अभी हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, क्या बना दिया है, स्टेट बना दिया या यूटी बना दिया। अब किसी भी एरिया को आप स्टेट बनाना चाहते हैं या यूटी बनाना चाह रहे हैं, पहले क्या लिखा है, पार्लियामेंट बाय लॉ में एडमिट, आर्टिकल 2 से उसने एक लॉ बनाया और क्या किया, चंद्रनगर को इंडिया की टेरिटरी में एडमिट कर दिया और डिक्लेयर न्यू स्टेट और यूटी। क्या बना देगा, या तो उसको एक स्टेट बना देगा या तो एक यूटी बना देगा, ठीक है। और क्या कर सकता है, किसी स्टेट को यूटी डिक्लेयर कर सकता है या यूटी को स्टेट, वाइस वर्सा, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, अगर इंडिया को कोई नई टेरिटरी खुद में लानी है तो कैसे ला सकता है, बाय यूजिंग आर्टिकल 2 अगर लॉ से लानी है, वरना वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ले आएगा और उसको क्या डिक्लेयर कर देगा, यूटी और स्टेट अंडर आर्टिकल 2। तो आवाज आ गई, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के अंडर क्या है, आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है दैट इट कैन चेंज द नेम ऑफ एरिया, नेम, बाउंड्री ऑफ स्टेट या इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही अगर कुछ चेंज करना है तो वो कर देगा। जैसे उसने क्या किया 2014 में आंध्रा को क्या किया है, आंध्रा और तेलंगाना में बांट दिया, ठीक। तो कैसे हुआ, उसने पहले आर्टिकल 3 का यूज करके इसको डिवाइड कर दिया और आर्टिकल 2 से इसको क्या बना दिया, एक स्टेट बना दिया। द आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 बोथ आर यूज एज टुगेदर यूज होंगे मोस्टली, जब आर्टिकल 2 यूज हो रहा होगा तो आर्टिकल 3 यूज हुआ होगा मोस्टली केसेस में, अगर बाउंड्री अंदर कर रहा है। अब मान लो नेम चेंज कर रहा है तो सिर्फ 3 का यूज होगा। तो ये आर्टिकल 2 मतलब क्या था, कि कोई अगर नया ऐड करना हो, कोई अगर लॉ से कोई एरिया हम ऐड कर रहे हैं, लॉ बना के कोई भी टेरिटरी हम इंडिया में ऐड कर रहे हैं तो लॉ बना के आर्टिकल 2 से होगी। अच्छा, नई टेरिटरी अगर आई, हाँ, तो आर्टिकल 2, हाँ, जैसे इंडिया था ये, एक ये टेरिटरी बाहर है, हाँ, भाई अंडमान निकोबार हमारी टेरिटरी है, अब वो क्या है, इंडिया के बाहर। अगर सपोज दैट वो किसी और के पोजीशन में होती, किसी और के कब्जे में होती और वो किसी तरीके से इंडिया ने उसको जीत लिया, अब इंडिया कहेगा ये हमने जीत लिया, अब ये हमारी टेरिटरी है, तो इंडिया क्या करेगा, उसके लिए एक आर्टिकल 2 बनाया, नाउ इट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 2 से एक लॉ बनाया, सिंपली उसको बिल बना के पास किया और उसको कहां ऐड कर दिया, इंडिया की टेरिटरी में। या तो क्या कर सकता है वो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेगा अंडर आर्टिकल 368 और फिर उसको इंडिया में ऐड कर देगा, दो तरीके से कर सकता है, कोई दिक्कत। भैया ऐड बिना मतलब
डिवाइड करता, उसके बाद स्टेट बनाने की, तो आर्टिकल 2 का हमने तुरंत कहा कि आर्टिकल 3 का यूज करके उसने तेलंगाना बनाया, देन आर्टिकल 2 से उसको क्या बना दिया, स्टेट। भाई जम्मू कश्मीर में भी तो उसने ये किया, उसने जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग बनाए, दोनों को यूटी डिक्लेयर किया, भाई जम्मू कश्मीर था उसको डिवाइड किया आर्टिकल 3 और दोनों को यूटी डिक्लेयर किया आर्टिकल 2। कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब अच्छा ये बताओ, जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो सिर्फ स्टेट्स की बाउंड्री चेंज कर सकता है या कंट्री की भी? दोनों का कर सकता है भैया, अगर कोई पार्ट जीत लिया तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना मैप में, तो दोनों चेंज करेगा भाई। कल को पाकिस्तान जीत ले तो क्या होगा? कल को भाई पाकिस्तान जीत ले तो इंडिया की टेरिटरी कैसे बन जाएगी? वो पाकिस्तान का हिस्सा भी ऐसे कवर कर लेगा तो इंडिया का नया मैप बन जाएगा। तो पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप्स ऑफ स्टेट एज वेल एज द कंट्री, दोनों का कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? लिखो भैया पहले। इट कन्फर्स द आर्टिकल 3, इट कन्फर्स द पावर, इट कन्फर्स द पावर, कन्फर्स द पावर टू द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट by separating the a territory from an existing state by separating the territories of existing states और बाई मर्जिंग द टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब अगर एक टेरिटरी से उसने क्या किया, डिवाइड करके एक नया स्टेट बना दिया है, और कल को वो क्या चाहे, उत्तराखंड को और उत्तर प्रदेश को फिर से एक करना चाहे तो भी आर्टिकल 3 का यूज करके वो कर सकता है। ठीक है। और बाई मर्जिंग द टेरिटरीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स and to change the name area, boundary of the state by means of law. ठीक है। अब देखो, ऐसा कोई भी बिल जब आता है तो कैसे आता है? चल के आएगा। क्या बात है, तुम भी चल के आ रही हो। ऐसा अगर कोई भी बिल आना है तो बोथ द हाउसेस में जाना होता है, राज्यसभा और लोकसभा में। उससे पहले एक इसके पास गया होगा, ये ऐसा बिल है जो प्रेसिडेंट के पास पहले जाता है, प्रेसिडेंट इस पे पहले साइन करते हैं। और प्रेसिडेंट साहब एक काम और करते हैं कि भैया आंध्रा का नाम, आंध्रा को तोड़ा गया और उसका नाम बदल के आधे का तेलंगाना कर दिया गया। प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, आंध्रा से पूछा, भैया तुम्हारा नाम हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि इसको दो हिस्से में बांट के आधे का नाम क्या कर देंगे, तेलंगाना कर देंगे। तो आंध्रा ने कहा मत करो। प्रेसिडेंट साहब ने कहा तुम कुछ भी चिल्लाते रहो, ये तो होके रहेगा। प्रेसिडेंट का मतलब काम होता है पूछने का, बट जो स्टेट कहेगा प्रेसिडेंट उसके लिए बाउंडेड नहीं होगा। ऐसा होता है, मानते नहीं है,
ठीक है लिखो। एनी सच बिल अंडर आर्टिकल 3 can be brought about introducing a bill in any house of the parliament on the recommendation of president। ठीक है, मतलब किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, राज्यसभा में भी किया जा सकता है और लोकसभा में भी किया जा सकता है। इट डजंट मैटर किस में पहले किया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट इस पे साइन कर चुके होते हैं। ठीक है, हाउएवर बिफोर रिकमेंडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल द प्रेसिडेंट शैल रिफर द बिल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर व्यू। भैया एक बार आया है बिल, तुम भी देख लो। ऐसे कई घरों में होता है क्या, कहीं लड़की देख लो, देख ही लो, बस शादी उसी से होनी है, कोई तुम्हारी बात सुनी नहीं जाएगी। लेकिन आजकल अगर ऐसा हो जाता है लड़के भाग जाते हैं, अपनी मर्जी से होगी शादी तो करो तुम कुछ भी, अपने ऊपर भी उंगली उठा लो। ठीक है, दीज व्यूज आर नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। तो भैया जो उन्होंने स्टेट कहेगा उस पर प्रेसिडेंट कुछ भी चाहे तो सुने चाहे तो ना सुने, उसकी मर्जी है, कोई कंपल्सन नहीं है। द बिल इज देन पास्ड बाई बोथ द हाउस बाई सिंपल मेजोरिटी। किस मेजोरिटी से पास होगा, सिंपल मेजोरिटी। एंड व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स। जो जितने मेंबर वहां पे हैं उनका 50% से अधिक, भाई सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, अब इंडिया का मैप कौन कौन ड्रॉ कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, सॉरी मतलब स्टेट और कंट्री दोनों ही मैप इंडिया रीड्रॉ कर सकता है। यस, कर सकता है। सो पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप ऑफ स्टेट एज वेल एज कंट्री। अगर किसी स्टेट में कोई बदलाव किया जाता है तो भी क्या पार्लियामेंट एक नया मैप बनवाएगा जिसमें अलग अलग बने होंगे, या इंडिया में कोई नई टेरिटरी ऐड की जाती है या रिमूव की जाती तो भी क्या होगा, एक नया मैप बनाना पड़ेगा उनको। पार्लियामेंट कैन यूनिटेरिली मतलब उस पर स्टेट का कोई वो होता है इंटरफेरेंस, तो यूनिटेरिली रीड्रॉ द मैप्स ऑफ स्टेट एज वेल एज कंट्री, रीड्रॉ द मैप पॉलिटिकल मैप ऑफ स्टेट एज वेल एज कंट्री। ठीक है, अब इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी इंटीग्रिटी की कोई गारंटी करता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्स की बात कर रहा हूं मैं,
अखंडता दैट दे आर नॉट डिवाइडेबल. ठीक है, तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट्स के इंटीग्रिटी की बात नहीं करता है, बट यूनियन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री हमेशा इंटीग्रल रहने की बात करता है. दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑलवेज गारंटी फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, स्टेट्स क्या हो सकते हैं? स्टेट्स हमारे यहां स्टेट्स क्या कर सकते हैं? स्टेट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. पार्लियामेंट अपनी मर्जी से डिवाइड कर देता है. स्टेट कुछ भी कहता रहे, वो सुने ना सुने, कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर कोई स्टेट चाहे तो बाहर जा सकता है? नहीं. इंडिया अपनी मर्जी से भी इजिली कोई स्टेट किसी को दे नहीं सकता है. बट अगर कोई बहुत ज्यादा वो होता ना कि ट्रीटी वाली बात आ गई है, राष्ट्रहित की बात आ गई है, अंतरराष्ट्रीय समझौता कर रहे हैं, तो फिर हम कई बार कर देते हैं. 1960 में एक ऐसा ही केस हुआ था. ये वेस्ट बंगाल था. वेस्ट बंगाल में एक एरिया था बेरुबारी, और बेरुबारी दिया जाना था किसको? पाकिस्तान को. पाकिस्तान को दिया जाना था. अब लोगों को पता नहीं था कैसे दिया जाए, तो सरकार ने प्रेसिडेंट साहब से कहा कि ऐसा करो, सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं. भाई प्रेसिडेंट सलाह ले सकता है ना सुप्रीम कोर्ट के जज से? ले सकता है. ठीक है, आगे बताएंगे कैसे. तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा, पहले ऐसा करो आर्टिकल 3 का यूज करो और इस टेरिटरी को अलग बनाओ. ठीक है, फिर क्या करोगे, आर्टिकल 368 का यूज करके एक अमेंडमेंट करोगे जिसमें ये टेरिटरी आप किसको दोगे? पाकिस्तान को. इसी के तहत 1960 में 9th अमेंडमेंट एक्ट आया था. 9th अमेंडमेंट हुआ जिसमें बेरुबारी पाकिस्तान को दे दिया गया. ठीक है, प्रोसेस क्या है देने का, समझ गए? पहले उसको टेरिटरी से अलग किया, फिर अंडर आर्टिकल 368 हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद वो क्षेत्र हमने पाकिस्तान को दिया. तो पहले इंटीग्रिटी वाली बात हम लोग लिखेंगे कि इंडिया क्या है. अरे ठीक है, चलो लिखो. The territorial integrity of any state of India, the territorial integrity of any state of India is not guaranteed by constitution. Not guaranteed by constitution. ऑफ इंडिया, ध्यान रखना. अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे होंगे, तो चाइना इन कॉन्स्टिट्यूशन ना लगा देना. देयरफॉर इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. एज ए यूनियन उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है. लेकिन स्टेट्स की बात की जाए तो पार्लियामेंट जब मर्जी आए कर सकता है. इन 1960 through 9th amendment act Berubari was given to Pakistan. For national interest. ध्यान रखना, कोई भी क्षेत्र बिना मर्जी के
ऐसे नहीं दे सकते हो आप कि जब मनाया दे दिया, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। और क्या है, कोई नेशनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, कोई मजबूरी हो या कुछ हमारा उल्लू सीधा हो रहा हो तभी देंगे। क्यों भाई, कोई भी चीज आप ऐसे किसी को दे सकते हो? नहीं दोगे ना। वैसे यहां भी खेल है, ठीक है भैया। इसी तरीके से ध्यान रखना, 1953 में क्या बना था, फजल अली कमीशन, उसको याद रखना। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये लिख लो, 1953 फजल अली कमीशन वॉज सेटअप। इसी को हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहते हैं। कमीशन कब बनी, 1953 में। इसके हेड कौन थे, फजल अली। इसके अन्य मेंबर, अदर मेंबर कौन थे, के एम पानिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, इसके चेयरमैन फजल अली थे, अदर मेंबर्स वर के एम पानिक्कर एंड हृदयनाथ कुंजरू। अच्छा, इससे पहले एक काम और हुआ था, 1953 में ही लिंग्विस्टिक बिहाफ पे पहला स्टेट बनाया गया था, भाषा के आधार पे, जहां पे सभी एक जैसे भाषा बोलने वाले लोगों, कौन सा स्टेट था वो, आंध्र प्रदेश। इन 1953 आंध्र प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन लिंग्विस्टिक बिहाफ, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। ये तेलुगु वालों के लिए था, जो लोग तेलुगु बोलते थे उनके लिए ये राज्य बनाया गया था, स्टेट बनाया गया था, ठीक ठीक है। फिर 1956 में क्या बनाया गया, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज इंप्लीमेंटेड। जिसके तहत क्या हुआ था, 14 राज्य बनाए गए थे, 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर फॉर्म्ड, अकॉर्डिंग टू विच 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज वर फॉर्म्ड। ठीक है भैया, आर्टिकल 4 अभी हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ना ही पढ़ेंगे वो अभी। अगर जिसके ज्यादा इंटरेस्ट हो, गूगल करो, बुक्स पढ़ो, योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर कभी न्यूज़ में आया, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो बता दिया जाएगा। ये भैया पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक, फिनिश, डन।